हे गाइस, दिस इज भाई अमन द्रोवाल। आई होप ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। आज का ये जो फाइनेंशियल लेक्चर होने वाला है, करोड़ों नहीं तो आपके जिंदगी में लाखों का फायदा कर रहा होगा। एक ऐसी चीज है जो हम साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को स्कूल और कॉलेज में सिखा देनी चाहिए थी, पर हमें बताई जाती है जब हम 25 और 30 साल के हो जाते हैं, तब तक मेजर करियर डिसीजंस आप ले चुके होते हो। तो ध्यान दें पूरे वीडियो में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी कैलकुलेशन कर दी है जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो। बस अब फोकस पैन बढ़ा के अगले 10 मिनट ध्यान से देखो। हर एक व्यक्ति यार एक अच्छी गाड़ी लेना चाहता है। आप में से कुछ ना भी लेना चाहते हो, मोह माया से दूर हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक एवरेज गाड़ी ली है 12 लाख रुपए की। अब इस 12 लाख को लेने के लिए आपके जनाब पहले 17 लाख रुपए जेब में होने चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। एक सैलरीड एम्प्लॉय है ये कहीं पे काम करता है, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो जब आपके बैंक में 17.44 लाख होंगे, उसमें से 30% तो सरकार ही ले लेती है कि यार टैक्स दे दो, तब जाके आपके पास 12 लाख रुपए बचते हैं। साथ में गाड़ी किसके ऊपर चलती है? पेट्रोल डीजल के ऊपर। अब अगर आपने अपनी गाड़ी 6 साल भी चलाई और हर साल 20,000 किलोमीटर भी चला रहे हो, तो करीबन 1.2 लाख किलोमीटर चला चुके होगे। अब मैं 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज भी लूं तो 8 लाख का पेट्रोल आपकी गाड़ी पी जाएगी। भैया 8 लाख का पेट्रोल, मैंने दिमाग नहीं लगा 8 लाख, ये तो गाड़ी के प्राइस के बराबर। रुको रुको, ये 8 लाख का पेट्रोल चुकाने के लिए पहले आपके पास 11.42 लाख रुपए आपको कमाने पड़ेंगे अपनी जॉब से, उसमें से 30% सरकार टैक्स ले जाएगी, तब जाके 8 लाख रुपए आपके पास बचेंगे। तो भैया 17.44 प्लस 11.42, मैं 6 साल के दौरान की बात कर रहा हूं। एक गाड़ी ली है और उसको आप 6 साल चला रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, मैं यहां पे सारे कंसीडर नहीं कर रहा हूं, छोटा मोटा मोटा लिख रहा हूं। टायर्स आपको बदलने पड़ते हैं हर 40-50,000 किलोमीटर पे, ठीक है। 40,000 किलोमीटर पे आप बदलते हो 25,000 के टायर, 3 times 75,000। सर्विसेज हर 10,000 किलोमीटर पे होती है, तो 1.2 लाख किलोमीटर पे 12 सर्विसेज होंगी, तो इसका भी 1 लाख रुपया टोटल मैंने मान लिया है। रिपेयर्स, कभी क्लच खराब हुआ, कभी ब्रेक खराब हुआ, कभी कुछ डलवाया, कभी एसी खराब हुआ, 25,000 और करीबन 2 लाख, ये भी मैंने बहुत कम लिया है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी गाड़ी होगी वो कहेंगे अरे इंश्योरेंस वगैरह बाकी सारी चीजें तो लिखो, ये तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो रुपीज 2 लाख है। पर इसे देने के लिए भी पहले आपको 2.85 लाख कमाने होंगे, क्योंकि उसमें से 30% टैक्स। तो टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ? 2.85 प्लस ये सारा करके ये गाड़ी आपकी 30 लाख रुपए के करीब पड़ गई। 30 लाख रुपए, भैया ये क्या चल रहा है? 12 लाख की गाड़ी लेनी थी मुझे, 6 साल भी अगर उस गाड़ी को चलाता हूं तो 30 लाख रुपए का खर्चा पड़ रहा है क्या? यही चीज बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया। हाँ ये भी है, पर इससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो कि अब मैं स्लाइड बदलूंगा तो आपको दिखाई दे रही होगी। हम यहां से क्या लेसन सीखे कि जनाब टैक्सेस को हमें ध्यान में रखना है, साथ में उसका मेंटेनेंस और चलाने का खर्चा क्या होता है। अब व्यात हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन कौन है यहाँ पे? जो कि जनाब अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है या प्रोप्राइटरशिप में है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर 12 लाख की गाड़ी लेनी है तो सरकार ने इनके लिए कुछ बेनिफिट्स कर रखे हैं। भैया बेनिफिट्स, किस प्रकार के बेनिफिट्स? ये जो गाड़ी है ये कंपनी का एक्सपेंस दिखा सकता है। अब हो सकता है ये जो बबल में मैंने चीज लिखी है ये आपको थोड़ी कम समझ में आए, पर जैसे ही मैं यहां से उठ के यहां तक आऊंगा तो आपको है ना सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, चाहे आप एक 9वीं क्लास के बच्चे हो या आप एक कॉलेज पास आउट हो। अब ये 12 लाख जो है ये एक्सपेंस ऑफ कंपनी दिखाया जाएगा। कंपनी बोलेगी अरे यार मेरा खर्चा हो गया, कंपनी के लिए मुझे ये गाड़ी लेनी थी। तो क्या सरकार कहती है इस पे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। कैसे? डेप्रिसिएशन ऑफ 15% पर ईयर। भैया डेप्रिसिएशन 15% पर ईयर, क्या क्या चीजें बोल रहे हो? अगर सरकार ने यार ये आपका रूल बना रखा है कि एक गाड़ी मान लो अगर 10 लाख रुपए की है तो एक साल बाद वो 15% डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू घट जाती है। 15% 10 लाख पे मतलब है 1.5 लाख, तो 10 लाख माइनस 1.5 लाख, 8.5 लाख रुपए की सरकार कहती है कि अब ये गाड़ी है आफ्टर 1 ईयर। सिमिलरली अब 8.5 लाख पे 15% और लगेगा तो वो और कम होगा, जो अमाउंट होगा उस पर 15% और लगेगा। तो इस प्रकार से 6 साल बाद 90% इस 12 लाख का 90% आप टैक्स के फॉर्म में वापस ले सकते हो। भैया समझ नहीं आया, ये ऊपर से टप्पा खा गया। मैंने कहा ठीक है एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं एक बहुत आसान नंबर 100 रुपए ले रहा हूं। ये एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है कि मान लो उसने 200 रुपए कमाए और उसके 100 रुपए खर्चे हो गए, तो प्रॉफिट कितना बचा? 200 माइनस 100, 100 रुपए। और ये 100 रुपए उसका 6 साल का प्रॉफिट में मान रहा हूं। भैया पर ईयर क्यों नहीं? क्योंकि हर जगह मैं 6 साल की कैलकुलेशन ले रहा हूं
तो लास्ट में हमें फायदा होगा कैलकुलेट करने में। मान लेते हैं इस बिजनेसमैन ने 100 रुपए का प्रॉफिट लिया 6 साल में, ये चीज क्लियर है। अब अगर ये कोई भी गाड़ी नहीं लेता इन 6 साल में, तो सरकार इसका 30% टैक्स काट लेती और इसके पास घर ले जाने के लिए कितने रुपए बचते, 70 रुपए बचते। पर इसने कहा नहीं जी, मैं तो एक गाड़ी लूंगा, कितने की, 12 लाख की लूंगा। तो अब ये कह सकता है अरे जी 100 जो मेरा प्रॉफिट था उसमें से 12 लाख गाड़ी का एक्सपेंस काटो, माइनस 8 लाख अरे पेट्रोल में लग रहे थे, भैया पेट्रोल को भी एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं, माइनस 2 लाख ये क्या है, अदर एक्सपेंसेस। तो अब इसका न्यू प्रॉफिट क्या बचा, ₹78। अब इस ₹78 पे 30% टैक्स लगेगा तो कितना बचेगा, ₹54.6। तो जब ये गाड़ी नहीं ले रहा था तो ये घर ले जा रहा था 70 रुपए, अब जब ये गाड़ी ले रहा है तो ये घर ले जा रहा है 54.6 रुपीज। तो क्या मैं बोल सकता हूं गाड़ी का कॉस्ट कितना पड़ा, अरे 70 माइनस 54.6 लगभग 15.4 लाख। तो एक सैलरीड इंडिविजुअल जिसको गाड़ी का प्राइस 6 साल में 30 लाख रुपए पड़ रहा था, इसको लगभग आधा 15.4 लाख पड़ा है। मैं बोनस बताता हूं, और सिर्फ गाड़ी नहीं, एक कंपनी में कोई भी चीज जो खर्चे में इस्तेमाल हो सकती है, या फिर चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड एक व्यक्ति हो, लैपटॉप से लेके, मोबाइल से लेके, लाइट से लेके, पंखे से लेके, एयर कंडीशनर से लेके, प्रिंटर से लेके, ये जो मैट लगी हुई है उससे लेके, हर एक चीज को आप इस 100 रुपए में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एज एक्सपेंसेस। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप कितना अपना सेविंग्स बचा सकते हो। काश ये चीजें हमारे स्कूल में साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को भी एक चैप्टर में इंट्रोड्यूस करके बताई गई होती। अब इसके अंदर यार और एडेड नॉलेज है, पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपको एक चीज अगर बताऊं, अप्रिसिएशन मनी आपको 15% टैक्स के हिसाब से मिल रहा है, वो आपको सेवरल ईयर्स में मिलेगा, और चाहे बिजनेसमैन ही क्यों ना हो उसे अपफ्रंट पैसा तो देना पड़ा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मतलब कि अगर 12 लाख की उसने गाड़ी खरीदी, वही 12 लाख रुपए उसने अपने बिजनेस में लगाए होते तो शायद और ग्रोथ लगती। कार यार बिजनेसमैन को इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि ज्यादा बिजनेसमैन और लोगों को भी जॉब देते हैं और इससे आपकी पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। तो इसलिए अगर आप वो व्यक्ति हो जिसको यार जॉब, जैसे कि सरकारी जॉब में ही आपको जाना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको पुलिस ऑफिसर ही बनना है, आपको एक इंजीनियर ही बनना है, तो वेरी गुड, वो आपका प्यार है, आप उसे ही फॉलो करें। 10 घंटे आप काम करने वाले, उसमें अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपनी जिंदगी को सबसे बेस्ट तक नहीं जी पाओगे। पर अगर आपको लगता है कि हाँ यार स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप ये मेरे लिए बना है, तो जनाब इसको जरूर कॉलेज के साल में एक साइड असल की तरह जरूर एक्सप्लोर करें। किसी के मम्मी पापा से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है भाई, पर आप आज के दिन जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। और जनाब इसके अंदर और बहुत सारे छोटी मोटी चीजें थी जो आपको बताई जा सकती थी, जैसे कि जस्ट एक पर, अच्छा एक चीज और, अगला जो वीडियो आएगा फाइनेंशियल लेक्चर के ऊपर, उसमें एक आप ही में से एक सब्सक्राइबर हैं और मेरे एक घनिष्ठ मित्र भी हैं, उन्होंने जनाब कैसे यही जो आप 12 लाख रुपए गाड़ी में लगाते हो, इन्हीं को अगर आपने एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया होता, उस व्यक्ति ने 40 लाख रुपए में से 4.5 करोड़ निकाले, वो भी विद इन अ कपल ऑफ इयर्स। 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 4.5 करोड़ रुपए कमाए, कवर कर रहे होंगे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल लेक्चर में। उन्होंने भी आप ही की तरह एक लेक्चर देखा था, तो दिवाली पे उनका एक ऑडियो मैसेज आया कि आपकी वजह से वो चीज़ हुआ, मेरी वजह से नहीं यार, ये तो उनका खुद का है। सिमिलरली वो कर सकते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है जनाब। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करना चाहेंगे, और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करो। इस पढ़ाई में आज अगर आप 11th 12th में मन ना भी लगे तब भी छोड़ना मत, ये आपको संघर्ष मेहनत करना सिखा रही है। कोई भी चीज जो आप कर रहे हो मन से करो, व्यर्थ नहीं होगी, आज नहीं तो 1 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपके काम जरूर आएगी। एक बार आप कॉलेज में पहुंच गए तो इन सभी चीजों पर जरूर एक्सप्लोर करें। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या, बाय बाय।